आँखों में एक फ्लूइड रहता है जो कि आँखों की संरक्षा के लिए काफ़ी आवश्यक है। इसका रेगुलर ड्रेनेज होता रहता है। जब भी इसकी ड्रेनेज में समस्या आती है, रास्ते में अगर समस्या हो, जिसे हमारी भाषा में, मेडिकल भाषा में नैरो एंगल कहते हैं, तो यह ड्रेनेज कम हो जाता है, आँखों में फ्लूइड बढ़ता है, जिससे नसों पर दबाव होता है। लेज़र के द्वारा एक छोटा सा बाईपास रास्ता बनाया जाता है, जिससे कि वो ब्लॉक ओपन हो जाए और इससे ड्रेनेज प्रॉपर होता है, इससे प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है।